रांची जिला के मांडर NH-75 पर स्थित हेस्मी कब्रिस्तान में दूसरे जिले के कोरोना संक्रमित मृत व्यक्ति के शव को दफनाए जाने के विरोध में मंगलवार को ग्रामीणों की बैठक मारिया टोली में हुई। ज्ञातव्य हो कि सोमवार शाम को स्थानीय प्रशासन की उपस्थिति में वहां जिस व्यक्ति का शव दफनाया गया था वह व्यक्ति दूसरे जिले का रहने वाला था। इस बात को लेकर ग्रामीण काफी आक्रोशित में है। मतलब कि क्यों दफना रहे हैं यहाँ पर, है ना? आप लोग कोई परमिशन लिए हैं या कुछ ऐसा कुछ, है ना? तो हमको सीओ सर बोले कि हाँ। आपका नाम? मेरा नाम मेलिस कुल्लू है। घर? और मैं यहाँ मरिया टोली की निवासी हूँ। महिला समूह की आप कुछ विधायक हैं? और मांडरपल्ली की सभा नेत्री हूँ। घटना के संबंध में जानकारी दी? जिस तरह से मुझको जानकारी मिली कि यहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज को ला करके यहाँ पर दफनाया गया है, जिसकी मृत्यु यानी कि 2 दिन करीब हुई थी। और यहाँ पर हम लोगों का जो नियम के अनुसार हम लोग सिर्फ अपना ही समुदाय ख्रिस्तीय समुदाय का ही हम लोग यहाँ दफन क्रिया करते हैं। और यहाँ पर सिर्फ 4 यूनिट वालों का ही हम लोग कब्रस्थान है, और बाहर वालों को हम लोग यहाँ पर अनुमति हम लोग नहीं देते हैं। इस तरह से यहाँ का नियम है। लेकिन यहाँ पर हमारे पल्ली पुरोहित और यहाँ के जो मांडर के वीडियो सीओ हैं, यानी कि पूरा प्रशासन मिल करके ये उस मरीज़ को ला करके कुछ लोगों के साथ में कब्रस्थान में यहाँ पर दफन क्रिया को निपटारा किए, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ तकलीफ हो रही है कि इस तरह से हमारे नियम के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध इन लोगों ने दफन क्रिया किया। तो इसके लिए हम लोग हमारे पल्ली पुरोहित से स्पष्टीकरण हम लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह का काम ना हो, जिससे हमारे समुदाय को तकलीफ हो। आपका नाम? मेरा नाम नेल्सन तिर्की है और मैं मरिया टोली का निवासी हूँ, मांडर सोसाई मरिया टोली का। घटना के संबंध में क्या जानकारी देना चाहते हैं? घटना के संबंध में ये जानकारी जो है सबों को पता है, और जैसे आप लोग आए थे कल भी और आप लोगों ने देखा कि कल चोरी छिपे यहाँ पर प्रशासन ने यहाँ पर कोरोना से संक्रमित जो शव था उनको यहाँ पर हम लोग का जो हेस्मी कब्रस्थान जो है उसमें दफनाया गया, ठीक है। तो उसके संबंध में यही कहना है कि लोगों को ये जानकारी दिए बिना ये सब चीज़ किया गया है, जिसके लिए सभी लोग यहाँ पर रोष व्यक्त कर रहे हैं, सभी उसके लिए यहाँ पर जमा हैं, और मैं भी इसकी घोर निंदा करता हूँ। मतलब यहाँ पर शुरू से यहाँ पर नियम चलता हुआ आ रहा है, और यहाँ पर ये जो कब्रस्थान है यहाँ पर जगह सीमित है, और यहाँ पर 4 गांव और पारिस मिला करके 5, है ना, जैसे प्रभात नगर, मरिया टोली और ख्रिस्त कॉलोनी और मांडर के लोग यहाँ पर अपने परिजनों का शव को यहाँ पर दफन क्रिया करते हैं, है ना, और उसके अलावा और किसी को नहीं यहाँ पर करने नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर चोरी छिपे यहाँ पर उन लोगों ने यहाँ पर शव को दफनाया है, तो जिसके कारण यहाँ पर रोष है लोगों में, और लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये छोटा सा जो मीटिंग बुलाया गया है इसी कारण से बुलाया गया है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है लोग इसी की निंदा करने के लिए जमा हुए हैं। यहाँ पर जब हम लोगों को पता चला कि यहाँ पर शव दफन हो रहा है, तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर प्रशासन के कुछ लोग आए हुए थे, और हमारे फादर थे, फादर देनिस खेस, और यहाँ पर जो प्रशासन है उन लोगों की मिलीभगत से यहाँ पर शव को दफनाया गया है। शव को दफनाने के लिए कहीं से लोगों की इजाज़त लेनी पड़ती है? जी हाँ, लेनी पड़ती है। और चूँकि यहाँ पर कोई गांव, जैसे मैंने बताया 4 गांव का नाम लिया मैंने, प्रभात नगर, मरिया टोली और ख्रिस्त कॉलोनी और यमांडर, तो यहाँ पर सभी लोग पंच हैं, यहाँ पर सभी गाँव का अपने अपने पंच होते हैं, तो केवल यहाँ पर मतलब जो पंच हैं मतलब उन लोगों से यहाँ पर किसी को जानकारी नहीं हो पाई यहाँ पर, और यहाँ पर दफन क्रिया संपन्न किया गया है, तो ये जानकारी लेनी ज़रूरी है। अब आप लोगों की क्या मांग है या क्या चाहते हैं आप लोग?
हम लोगों की जो मांग है यहाँ पर है ना, यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति को जो दफनाया गया है ना, तो यहाँ पर प्रशासन आकर के हमसे बात करें अभी भी है ना। और फादर से भी हम गुजारिश करेंगे कि आप यहाँ पर आए कि किस कारण से यहाँ पर दफन क्रिया संपन्न हुआ है, तो आप लोग हम लोग चाहते हैं कि आप लोग बात करें। मांग क्या है ये अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी हम लोग बता नहीं पाएंगे अभी मांग। और हम लोग यहाँ पर मांग के लिए अभी इकट्ठा नहीं हुए हैं, क्योंकि हम लोग ये पर इसको हम लोग घोर निंदा करते हैं, बस हम लोग का कोई मांग नहीं है विशेष। धन्यवाद।